वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हम यार डबलपुरे पे और यहाँ पर सारा हैवी वेट का कलेक्शन है और बिल्कुल गुलाबी में, जो पिंक स्किन के अंदर आप जैसे पसंद करते लोग, तो वैसा वाला बड़े साइज़ में यहाँ पर गुंटूर है और हैवी साइज़ में विलायती है, एक माशाल्लाह का बच्चा है और एक बहुत बड़े हथियार के अंदर एक मदुराई है, जिसको तलवार वाला मदुराई भी बोल सकते हैं आप। बहुत बड़े सिंग है इसके, साइज़ देखिए इसका। तो सारी डिटेल यहाँ के ओनर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज़ा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है। अली भाई, डबलपुरे में एड्रेस आपका, एग्जैक्टली लोकेशन? डबलपुरा नागाबोली पे है हमारा एड्रेस। डबलपुरा नागाबोली, यहाँ का कुछ लैंडमार्क लोकेशन? मोमिन हाई स्कूल है। मोमिन हाई स्कूल, जी हाँ। या फिर डबलपुरा पीएस के पास भी कोई आ गया तो वहाँ से पिक कर लूँगा। ओके, डबलपुरा पीएस के पास भी अगर कोई आगे कॉल करेंगे तो आप पिक कर लेंगे वहाँ से? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इस माशाल्लाह से स्टार्ट करेंगे। एक यूनिक भी बच्चा है देखिए यहाँ पर, बनूर का, बहुत एकदम शॉर्ट साइज में, लेकिन सिर्फ शौक के लिए है। इस माशाल्लाह की डिटेल बताइए। उम्र में 5 to 6 मंथ्स का किट है। 5 to 6 मंथ्स का है जी हाँ। और फर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, बाल वगैरह एकदम सिल्की है देखें। क्या एज रहेंगी बोले आप? 5 to 6 मंथ्स। जी हाँ। और क्या लाइव वेट रहेगा अली भाई? 20 to 23 kg पकड़ के। 20 से 23 kg के आसपास लाइव वेट रहेगा इसका। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? आस्किंग प्राइस 14,500 है। 14,500 आस्किंग प्राइस है। ये क्वालिटी में है इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा है जी। और साइज़ भी अच्छा है इसका, यानी बहुत छोटा बच्चा नहीं है। आप लोग आके देख सकते हैं, ये जो गुंटूर वगैरह है बहुत हाइटेड है। लाइव आके चेक करिए, यहाँ पर चुन्नी वगैरह सब सेट है। और नेक्स्ट में इसके बाद में गुंटूर का एक पेयर है आपके पास जी हाँ। तो सबसे पहले इस बकरे की डिटेल बतलाइए। फ्रेश दोदात कर रहा अभी बकरा ये। फ्रेश दोदात कर रहा है जी हाँ उमर भाई। और क्या लाइव वेट होगा इसका? 50 to 55 kg लाइव वेट है उमर भाई। 50 to 55 kg लाइव वेट में है। बटन कान है जी हाँ। और सिर्फ दो दांत का ही बच्चा है देखिए। और जो दूसरा तो वाला है वो भी दो दांत पे है, अभी दो दांत स्टार्ट करा है। स्टार्ट करे अभी, दो भी बकरे ठीक है, लेकिन बिल्कुल गुलाबी है, मार्बल सिंग, मार्बल खुर के अंदर। वेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अभी कुर्बानी के लायक भी है क्योंकि दांत लगाना स्टार्ट कर दिए, 1 साल के हो गए। और इसके बाद में एक बहुत बड़े साइज़ का एक और गुंटूर है। और इसकी फर क्वालिटी भी देखिए आप, यानी आधी बबरी करीब इसकी ट्रिमिंग हो गई आधी, और बिल्कुल गोल है जैसे माशाल्लाह वगैरह के बकरे आते हैं उस साइज़ में है, बड़े फ्रेम के अंदर। ये भी फ्रेश दो दांत कर रहा है अभी। फ्रेश दो दांत कर रहा हूँ। और ये भी बटन कान के अंदर है, मार्बल सिंग, मार्बल खुर है। क्या वेट है इसका लाइव? और भी इसका भी सेम वेट रहेगा, 50 to 55 kg। ओके, और क्या प्राइस रहेगा इस पेयर का? उमर भाई प्रेस पेयर का आस्किंग प्राइस 56,000 है। 56,000 ये पेयर का है, यानी ये वाला एक है और इसमें ये वाला एक, दोनों गुंटूर है। साइज़ में बहुत अच्छे है देखिए, क्वालिटी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गुंटूर पाले हुए हैं उनको आइडिया भी है, और बहुत हैवी वेट होते हैं। वेट इससे ज़्यादा भी निकल सकता है आप जो बोल रहे हैं, या एवरेज उतना ही आएगा आसपास? मैं अप्रॉक्सली ये वेट बोल रहा हूँ अमर भाई जी, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई लाइट वेट भी करा तो इससे कम तो नहीं होगा, बढ़ने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट में आपके पास विलायती है, विलायती का भी पेयर है लेकिन सिंगल सिंगल, इसके बतलाऊंगा मैं डिटेल। ये वाला एक विलायती है, ये कितने दांत पे है? ये भी बस दो दांत कर रहा हूँ अमर। अच्छा, ये भी दो दांत कर रहा है अभी जी हाँ। और इसका चेहरे के बाल निकाले हुए हैं ना? निकाले हुए जी, बिल्कुल साफ है देखिए, और बिल्कुल पिंक स्किन में एकदम गुलाबी बच्चा है। और आज खास बात क्या है, यानी आप मैक्सिमम पूरे वाइट कलेक्शन रखे हुए हैं? वाइट कलेक्शन खासतौर पर ईद के लिए जमा कर रहे थे अमर भैया। अच्छा, सिंग वगैरह बहुत बोल्ड है इसकी, तैयारी अच्छी है। क्या वेट है ली भाई इसका लाइव? इसका 55 to 60 लाइव वेट रहेगा। और क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका 36,000 आस्किंग प्राइस है। प्राइसेस नेगोशिएबल रहेंगे ना सभी? नेगोशिएबल रहेंगे हमारे। ओके, नेक्स्ट में फिर ये एक बहुत बड़े हथियार के अंदर ये वाला एक विलायती है, और इसका वेट वगैरह भी माशाल्लाह अच्छा है देखिए, और बहुत बोल्ड चेहरे के अंदर, और बिल्कुल पिंक है, यानी आप कहीं से भी देखिए एकदम गुलाबी बच्चा दिख के आ रहा। ये कितने दांत पे है? ये भी बस दो दांत पे है। ये भी दो दांत पे ही है जी हाँ। और क्या लाइव वेट है इसका? इसका 65 to 70 लाइव वेट रहता हूँ। 65 to 70 लाइव वेट है जी हाँ। क्या प्राइस रहेगा इसमें? उमर भाई इसका आस्किंग प्राइस 38,000 है। 38,000 आस्किंग प्राइस है जी हाँ। ओके, क्योंकि इसकी क्वालिटी आप एकदम देख सकते हो, हथियार का साइज बहुत बड़े सिंह है इसके, बिल्कुल बोल्ड है, सिंह मोटे हैं उमर भाई जी। और इसी की तरह हथियार एक और बकरे के आपके यहाँ पर देर भी है। जंबिया है तलवार है? ये जंबिया है या तलवार है? तलवार बढ़िया ऐसा भर है। अली भाई क्या डिटेल है इसी, कितने दांत पे है? और भाई ये फ्रेश छह दांत कर रहा है अभी। फ्रेश छह दांत कर रहा है जी हाँ।
और सिंह माशाल्लाह बहुत खुले हैं, यानी मदुरई में सिंह आते लेकिन इतने बड़े बहुत कम बकरों में मिलते हैं। तो जो शौकीन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए सिंह में एक बार खरीब से भी बतला दूंगा। क्या साइज अली भाई सिंह का होगा? यानी एक फीट के आसपास के एक सिंह है, तो दो साइड मिला लेंगे अगर तो 2 फीट के सिंह है इसके। क्या वेट रहेगा इसका? 50 to 55 केजीज लाइव वेट आ जाएगा इसका। क्या प्राइस है इसका? आसिंग प्राइस 36,000 है। 36,000 आसिंग प्राइस है। और ये नेगोशिएबल भी हो जाएगा? नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके, साइजेस अच्छे हैं और यूनिक बकरे है। देखिए यानी जो सिंह के साइजेस है, जो डिटेल्स है। और क्या है आपके पास? और मेरे पास एग्जॉटिक लमदुम है उमर भाई। लमदुम जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं वैसे वाले फुल क्वालिटी में है लेकिन। ओके, और हैवी वेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वेट में भी अच्छे होते हैं। जी हाँ, इजी 100 kg क्रॉस करते हो। ओके, तो एक बार ले लीजिए आप लोगों को बाहर। देखिए मदुरई ये जो गुंटूर है, मैं एक बार फिर से बतलाना चाहूँगा, इनका जो रुआब है, बैठने का अंदाज, लुकिंग वगैरह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। नेक्स्ट में देखिए लमदुम है ये, और लमदुम की खासियत देखिए आप, बिल्कुल ज़मीन पर इसकी टेल टच होती, आप 3 पैर पीछे के बोल सकते हैं, यानी टोटल 5 पैर का बकरा है। लमदुम की क्वालिटी और क्या डिटेल्स है सब ये अली भाई से मैं पूछूंगा। अली भाई बतलाइए क्या डिटेल्स रहेंगे इसके, कितने दांत पे है? ये 2 दांत कर रहा बकरा भी है। ये भी 2 दांत कर रहा है। और क्या लाइव वेट होगा इसका भी? इसका लाइफ में 70 kg रहता हूँ। 70 kg अभी रहेगा। और जुगाल वगैरह कर रहे हैं, देखिए सेहतमंद बकरे है। अंडो या खासी है? अंडो है। अंडो है। साइज देखिए आप अभी से, माशाल्लाह बहुत शानदार है इसका। और इसके साथ एक और भी है ना जी, इजीली 100 kg क्रॉस करते हैं। अच्छा, इजीली 100 kg भी क्रॉस हो जाते हैं। आप देखिए पीछे की टेल इसकी बिल्कुल जमीन पर टच हो रही है, और ये खासियत है ओरिजिनलिटी की, आप चेक करके देख के ले सकते हैं इसे। प्राइस इंडिविजुअल है दोनों के अलग अलग, या पेयर ही देना है? अभी पेयर देना है। पेयर ही देना है, ठीक है। दूसरा वाला लाइए। नेक्स्ट में ये वाला एक लमदम है देखिए, और क्या एज है अली भाई इसकी? ये भी 2 दांत कर रहा हूँ। ये भी 2 दांत कर रहा हूँ। और बहुत एक्टिव है, साइज़ वगैरह माशाल्लाह अच्छा है लोगों का। सिर्फ आँखों के पास काजल है देखिए, बाकी कम्प्लीटली स्पॉटलेस गुलाबी है। मार्बल सिंह, मार्बल कुर सिंह तो है ही नहीं ना इन लोगों के? नहीं नहीं, दोनों के भी नहीं है ना? दोनों में भी सिंह नहीं है। दोनों के अंदर भी सिंह नहीं है। क्या लाइव वेट है इसका? 60 to 65 kg रहता हूँ। 60 to 65 kg लाइव वेट में रहेंगे ये। और क्या प्राइस है इस पेयर का? उमर भाई ये प्राइस इसका मैं पर्सनल में बताऊंगा। लमदम का प्राइस पर्सनल का प्राइस में, पेयर का प्राइस पर्सनल में बताऊंगा। ओके, और ये बात बोलूंगा उमर भाई, जो ये ब्रीड को पहचानने वाले हैं वो लोग ही कॉल करें इसके लिए। ये थोड़ा एक्जोटिक क्वालिटी है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहेंगे उमर भाई जी, वरना राजस्थान से डायरेक्ट जो दुम्बा आ रहा वो है, बल्कि लोग वो नस्ल नहीं, क्वालिटी बहुत फर्क है। इसीलिए मैं इशारा दिया कि ये राजस्थानी दुम्बे नहीं है, ये लमदम है, जो बहुत खास ब्रीड होती है, जो वेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, और बिल्कुल बॉर्डर के साइड मिलने वाली ब्रीड है। देखें क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है इसकी, हाइट लेंथ और होती है, सिर्फ 2 दांत पे है। आप इसकी लेंथ सामने से आके देखें तक आइडिया नहीं होता आप लोगों को। और क्या है आपके पास? दो पाटा भी है। देसी बकरियां हैं दो, ये वाले। क्या एज होंगे इन लोगों की अभी? ये 6 मंथ रहते हैं। 6 मंथ के आसपास। जी हाँ। और क्या प्राइस है इन लोगों का? ये दो का प्राइस 10,500 इन दोनों का है। जी हाँ। ओके, ये भी पेयर देना है आपको, अगर कोई सिंगल भी शौक है ना? अच्छा, कोई सिंगल भी आए तो दे देंगे। पेयर का प्राइस है देखिए, जोड़ी का 10,500 है, कम भी हो जाएंगे थोड़े से। डायरेक्टली आइए, आके बात करके देख के लाइए आप लोग। नागा बोली का एड्रेस है डबिलपुरे में, और मोमिन स्कूल है, और क्या है बोले आप? यहाँ डबिलपुरा PSB लैंडमार्क लोकेशन है यहाँ का। कुरबानी का बहुत शानदार कलेक्शन है, देखिए डायरेक्टली विजिट करके चेक करिए आप लोग। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।